नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक लंबा वीडियो रहेगा, तो टाइम निकाल के आप वीडियो देखें। और ये वीडियो आप लेके कहाँ से आ रहे हैं, मैं सबसे पहले जो गेट पे नाम लिख रखा है मैं वही दिखाता हूँ। ये देखिए माता मनसा देवी गोधाम, और इधर जब आप जाएंगे तो देखेंगे पंचकुला गौशाला ट्रस्ट। तो माता मनसा देवी मंदिर जो पंचकुला में है, वहाँ जो गौशाला है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये आप मेन गेट से शुरू कर रहे हैं। दीपक पूनिया भाई हैं जो, राम राम। ठीक हो दीपक भाई? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। बस बढ़िया, आपका इधर आने में बड़ा स्वागत है भाई साहब आपका। तो दीपक भाई जी ये बताइए कि आप इधर क्या क्या पोस्ट पे हैं? मैं डॉक्टर हूँ भाई साहब। डॉक्टर हैं, और कितने साल हो गए? 4 साल हो गए भाई साहब। 4 साल हो गए। तो आप थोड़ी थोड़ी बातचीत करते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो ये देखिए जी, इधर से आप शुरू हो गए तो मेन गेट से, और इधर मेरे ख्याल से आगे जो है सीधा जो है जो हवन वगैरह जो करते हैं शायद, है ना? हवन का क्या? दो टाइम होता है, सुबह शाम होता है। सुबह शाम दोनों टाइम, दोनों टाइम होता है, दोनों टाइम हवन होता है। देखिए जी, हर गौशाला में आपको ये देखने को मिलेगा। एक गौशाला अब आप बुन्ना की कई साल पहले विजिट की थी, और एक हिमाचल में विजिट की थी, तो वहाँ भी बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही सुंदर जो है गौशाला थी। ये देखिए हवन जहाँ होता है बिल्कुल अपना, बहुत ही बढ़िया। तो अभी दीपक भाई किधर से शुरू करें? इधर से। ठीक है, ये पार्क बन रहा है? पार्क बन रहा है। अभी अभी बन रहा भाई साहब, ये पहले पार्क था। हाँ हाँ, अभी दोबारा भी नया बना रहे हैं। नया बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो जी, नया जो पार्क है ये बन रहा है, बढ़िया सारा कुछ। भाई साहब बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, झूले वगैरह लगा रखे हैं। शाम को भीड़ भाड़ हो जाती है भाई साहब? शाम सुबह भी रहती है भीड़? सुबह शाम दोनों टाइम होती है भाई साहब, दोनों टाइम। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए पीछे जो है आज जगराता है, तो रात की, अच्छा रात की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये देखो जी बहुत ही बढ़िया। और इधर चारे का, ठीक है। तो तूड़ी अपनी स्टोरेज गौशाला रखती है खरीद के? हर साल लिखते हैं भाई साहब। अच्छा, पूरे साल की कवर कर देते हैं एक बार। अच्छा, ये नहीं है कि रोज रोज लेनी पड़ती है? पूरे साल की एक बारी। ठीक है, ये फीड का चाफ कटर काफी सारे खड़े हैं, और ये देखिए बांध रखी है जो टोकरियां हैं, और जमी चल रही है बहुत ही बढ़िया। ये देखो जमी काफी बड़ी बड़ी है, और फिर आगे। अच्छा, फीड का आ गया, ठीक है, एक बार देख लें। ये भी गौशाला जो काफी बढ़िया, कितने एकड़ में है भाई? ये 6 एकड़ में भाई साहब। 6 एकड़ में, ठीक है। ये देखो जी, यहाँ फीड के बैग रखे हैं। ज्यादा तो आप दिखाएंगे तो कोई भाई बोलेगा कि फीड फैक्ट्री वाले का प्रमोशन तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप वो सिस्टम। ये तूड़ी का भाई साहब, ये तूड़ी का स्टोरेज। तो ये कितने कितने हैं ऐसे तूड़ी के स्टोरेज यहाँ? ये एक ही भाई साहब। अच्छा, इसी में आ जाती है पूरी? पूरे साल की रहती है। बड़ा है ये? हाँ, लंबा भाई साहब। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पंचकुला के दाएं बाएं जो इधर मंदिर के दाएं बाएं जो खेत वगैरह है वहां से आ जाती है? नहीं, अपने खुद की लेते हैं भाई साहब। अच्छा, खुद की ले लेते हैं, ठीक है। दान वाला कोई चक्कर? दान वाला कोई चक्कर नहीं भाई साहब। ठीक है ठीक है। ट्रैक्टर भी खुद के चलते हैं? ट्रैक्टर भी अपने ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखो हमारे पास दो गोबर के लिए। अच्छा, बाई के लिए। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या क्या है गौशाला से? जैसे गाय कितनी है टोटल? 1500 गाय है, और सारे कौन कौन सी ब्रीड के हैं? नीली राव, सॉरी भाई, एचएफ है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है, और बिलाई है। बिलाई सबसे ज्यादा गाय जो बिलाई है इधर, बिलाई जो लोकल ब्रीड है यहाँ। लोकल ब्रीड है, ठीक है ठीक है। देसी और दोनों तरह के हैं। तो बाई प्रोडक्ट की पूछ रहा था मैं, दूध सेल होता है, घी सेल होता है, क्या? दोनों होते भाई साहब। अच्छा, घी भी और दूध भी? घी और दूध दोनों। तो वैसे गौशालाओं में दूध वगैरह इतना होता नहीं है, अपने यहाँ कितनी प्रोडक्शन है? 1200 के आसपास। 1200 लीटर दिल्ली का? हाँ जी, दिल्ली का। ठीक है, 1500 जो है वो गोधन है देखिए, और 1200 लीटर के आसपास दूध है, तो 1 लीटर की एवरेज रही। लेकिन गौशालाएं जो हैं वो दूध के पर्पज से नहीं होती, वो सेवा के पर्पज से और इस टाइप से होती हैं। तो ये आप देख भी पाएंगे कि ये पहले बाड़े में आप आ गए, ये भाई बिलाई निकल गई है, सारी बिलाई है, मिक्स है इसमें, दे एचएफ मिक्स आ गई। हाँ हाँ, मेन बिलाई तो ये भाई साहब, ये वाली, ये वाली जो ये खड़ी, ये बिलाई नस्ल की है? बिलाई या बिलाई? बिलाई भाई साहब, बिलाई। हाँ, ठीक है, बिलाई नस्ल है। आपका क्या नाम है छोटे भाई? मेरा डॉक्टर पुनीत। पुनीत, वीएलडी हो आप यहाँ? ठीक है, आप कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से, ठीक है।
तो पुनीत है भाई, और ये बिलाई नस्ल है जी, ये देखिए। तो ये लुप्त होती है अभी। अच्छा, लुप्त होने लगी है। तो आप अपने पास बुल भी होंगे इनके? बुल भी है। तो आप तो लुप्त मत होने देना। हम तो नहीं होने। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो कितना दूध देती है भाई साहब ये बिलाई ब्रीड? ये 2 या 3 लीटर देती है। 2 या 3 लीटर पूरे दिन का? एचएलडी भी रिकॉर्ड करवाते हैं, 5 लीटर में 20,000 भी देते वो। अच्छा, 20,000 रुपए। हमने अभी 3-4 गाय करवाई अभी। ठीक है। 5-5 लीटर में। ठीक है ठीक है, बढ़िया है फिर तो। और किधर चले फिर अभी? इसको बंद करना, कहीं बाहर ना निकल जाए। अच्छा, बाहर नहीं आएंगी। ठीक है ठीक है। ये आ गया जी पहला सेट, एक नंबर सेट। कितने सेट हैं, कितने नंबर है अपने पास? 9 है जी। 9 है। आप 9 के 9 विजिट करने हैं? 9 के 9। ठीक है ठीक है। तो ये देखो जी सेट काफी बढ़िया और हवादार, खुला, सर्दियों के लिए तरपाल वगैरह लगा रखे हैं। तो इसमें कौन सी नस्ल रहती है? बिलाई है भाई साहब। अच्छा, दोनों में, इस पूरे सेट में बिलाई? ठीक है ठीक है। सफाई 2 टाइम होती है भाई, सुबह और शाम को। अच्छा, दोनों टाइम सफाई होती है। ठीक है, ये देखिए सफाई चल रही है और गायें जो है वो बाहर है। अभी तो सर्दी जो है वो काफी जोरों पे थी, आज मेरे ख्याल से कई दिन में धूप निकली होगी। 1-2 महीने में निकली भाई साहब। अच्छा, 1 महीना ऊपर ही हो गया। 1 महीना हो गया, ऊपर ही है। 1 महीना हो चुका है जी धूप निकले हुए। और ये देखिए जो भाई सेवा के लिए भी जो है बाहर से आते हैं और मटर वगैरह डाल रहे हैं गाय को, और इस बाड़े की अभी सफाई हुई नहीं। अभी तारा उधर चल रहा है 2 नंबर में। अच्छा, 2 नंबर में चल रहा है, बंद किया हुआ अभी तो। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सबका टाइमिंग है। ठीक है ठीक है। ये ऑफिस आ गया अपना है। ये इधर ऑफिस। ठीक है, इधर ऑफिस आ गया। ये देखो, ये मंदिर है। अच्छा ठीक है, मंदिर है जी। ये वही बाड़ा आ गया ना? ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर आ गया। ये 2 नंबर की, 2 नंबर वाली गायें खड़ी हैं। इसमें भी बिलाई हैं? हाँ जी। इसमें भाई साहब तो एनडीए। अच्छा, सारी मिक्स है? हाँ जी, सब मिक्स है। कोई एचएफ क्रॉस की, कोई हरियाणा की, कोई बिलाई? सब सारी है ना, नॉन प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट करवानी नहीं एक भी गाय इसमें। अच्छा, करवानी नहीं है प्रेग्नेंट? कोई भी नहीं करवानी। और वो जो 1 नंबर में थी वो? हां, उनमें प्रेग्नेंट गाय है। अच्छा, उनमें प्रेग्नेंट है। ठीक है ठीक है। और जरीज में अभी गुड़ की पेटी आई है, ये चलेगा। अच्छा 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 ठीक है। ये देखो जी गुड़ जब आया है तो गायें जो हैं वो आगे आ रही हैं खाने के लिए। ये जब एवरेज होगी जैसे ये 5-4 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा, 4-5 बार बच्चा दे चुकी हैं अभी इनको प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है। ये जो कोई भी बुल नहीं है। ठीक है, ये बिलाई है ये भी सारी ब्रीड ना? ठीक है ठीक है। अभी दूध वाले हैं? दूध वाले चलते हैं, दूध वाले बारे में। चलो, तो 2 नंबर जो है ये एक साइड इसमें ओवरेज का है। अच्छा, ये ओवरेज का है। ठीक है ठीक। ये बेटा 2 जेसीबी अपनी गोबर के लिए। अच्छा, जेसीबी यहीं रहती हैं? हाँ, परमानेंट 2 ड्राइवर है। ठीक है, ये सारा इधर से बाहर की बात। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ खेतों वाले ले जाते हैं? कितने की ट्रा ले जाती है भाई साहब? 1,000 रुपये वो है भर के देना। 1,000 रुपये भर के देना है? ठीक है ठीक है ठीक है। 100 फीट। ठीक है, 100 फीट गोबर आता है ये क्वार्टर लेबर के। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है भाई। और ये देखिए जी, पहले विजिट नहीं किया मैंने, भाई कह रहे थे मैं विजिट करवा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यार जो बातें पूछने वाली होंगी वो सारी निकल जाएंगी। तो आप है। अच्छा, इसके अंदर सभी बुल है? सारे बुल हैं। कितने होंगे टोटल इसके अंदर? दोनों अंदर मिलेंगे 500 के आसपास है। 500 दोनों। ये देखो 3 नंबर से है, 3 नंबर सेड और 500 के आसपास जो है बुल हैं। तो यहाँ दीपक भाई और भी कोई बाहर से कोई गाय गुए छोड़ने आते हैं तो लेते हैं कि नहीं लेते? अभी तो नहीं लेते भाई। अभी नहीं लेते, पहले लिए हमने, अभी गाय लिए। अच्छा, अभी ना लेने का रीजन अपने पास गाय ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से कोई अगर कोई गोप्रेमी लेके जाना चाहे गाय तो दे भी देते हैं? अच्छा, देते नहीं है। 3 साल की उम्र से कम की है? 3 से कम की, और वो 3 से ऊपर के उधर वाले। ठीक है ठीक है, सफाई चल रही है बिल्कुल। तो ये देखिए जी, वो 3 साल से ऊपर के बुल हैं और ये 3 साल से छोटे।
ये जो अपने गौशाला में जन्म लेते हैं वो है? हाँ, वही है। ठीक है बाहर से नहीं है अभी? बाहर से नहीं आया। ठीक है ठीक है। तो ये फिर नेचुरल मैटिंग के हैं या सीमन वगैरह के हैं? नेचुरल मैटिंग के भाई अभी। ठीक है, वो तो मेल फीमेल कुछ भी आ सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 6 महीने पहले लिए थे, 6 महीने हो चुके। 6 महीने पहले क्या लिए थे? एनिमल बाहर से लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से एनिमल बताए? जो आवारा पशु घूमते हैं। अभी जगह कम है तो इस करके बंद कर रखी है। ठीक है ठीक है। गवर्नमेंट से बात कर रही है हमारे। हाँ हाँ, जमीन प्रोवाइड के लिए। अच्छा, जमीन और प्रोवाइड हो जाएगी तो और रख लोगे। ठीक है। ये आगे आ गया, 4 नंबर से अड्डा है। उतना बोलने पकड़ लिया एक बार अंदर। 4 नंबर से अड्डा आ गया जी आगे। और ये देखिए जो यहाँ पे काम करते हैं लेबर वाले, वो अपना फ्री होके जो है। ठीक है, पहले अच्छा है इसमें बाद में आएंगे आप। अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा एच एफ और क्रॉस, दूध वाली। ये देखो मशीने रखी हैं जी। अभी तक सफाई ऑन लग रही है भाई। ठीक है ठीक है। अभी बार की हुई है। हाँ 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 भाई साहब, आप अभी अपने पास एक गाय भी आने वाली है। हाँ, आप ये बताना कौन से ब्यास के हो? ठीक है, यहाँ दिखाओगे? ये सब दूध वाली हैं। तो मोस्टली दीपक भाई एचएफ गाय रखते नहीं है गौशालाओं में भाई साहब? अपना खर्चा उतना ये रखनी पड़ेगी। अच्छा, खर्चा गौशाला का खर्चा निकालने के लिए, दूध के लिए है? ठीक, ले आओ। तो ये देखिए जी, एचएफ की गाय हैं जो कि दूध वाली गाय हैं, और एचएफ क्रॉस ब्रीड की। ये देखिए, और गौशाला का खर्चा निकालने के लिए भाई ने कहा कि हमें रखनी पड़ती हैं जी एचएफ गाय, नहीं तो आपको बहुत सारी जो गौशालाएँ हैं उनमें मिलेंगी केवल देसी नस्ल की गाय। अच्छा चलो, साहिवाल वाले बाड़े में चलेंगे जब देखेंगे। ये तो अच्छा, कितना दूध वाली गाय है ये? ये अभी भाई साहब आने वाली है एक दो दिन में। कितना दे देती है? आप ये अभी इधर 4 दांत हुई है, 4 दांत थोड़ी है। अच्छा, 4 दांत है। पहली दूसरी बार बच्चा देगी? दूसरी बार बच्चा देने वाली है। तो कितना दूध दिया था पहली बार में? टाइम में दिया इसने भाई साहब 38 लीटर। 38? ठीक है ठीक है। अब देखते कितना कर रही है। इसके तो बाई बहुत ज्यादा आई हुई है। वैसे लोग वैसे पसंद नहीं करते आजकल बड़े ऑर्डर को ना, एच एफ वाले छोटे ऑर्डर वाले ट्रेंड पे। अपने पास ना 59 लीटर दूध है आईएस का। अच्छा, एच एफ का 59। ठीक है, तो और कौन से में चले अभी? अभी अब वो बुल जाता हूँ, साहिवाल का बुल। साहिवाल का बुल, ठीक है। तो देखिए जी, साहिवाल का बुल देखते हैं। भाई साहब, हमने ना गिर लैंडो के भी थिम्बर मंगवाए हैं ब्राजील से अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, गिर लैंडो का जो है बुल सीमन मंगवाया है। बाहर कोई चलेंगे यार। तो ये देखिए जी, मैट वगैरह लगा रखे हैं बढ़िया, और ये मशीनें बिल्कुल साफ सुथरी रखी हैं। यहाँ से दूध फिर भाई साहब क्या रेट में जाता है? पैकिंग करवाया देते हैं भाई साहब 65 एचएफ का। एचएफ का 65 और 95 देते हैं, और सही वाला का 95 95 रुपये, वो भी पैकिंग के? हाँ, वो सब पैक होता है। पैक होता है अलग अलग। ठीक है ठीक है। अरे तो ये एचएफ जो है, आप एचएफ से प्रेग्नेंट करवाते हैं या साहिवाल जैसे एक बुल छोड़ रखा है? साहिवाल से करवा रहे हैं, एक दो गाय हमने करवाई है। क्रॉस वाली साहिवाल से करा रहे हैं, और एचएफ पे हम नहीं वो कर रहे हैं। गिर दो गाय भाई साहब, दो प्रेग्नेंट नहीं रुकती तो उसको हम बुल से प्रेग्नेंट करवा रहे हैं। ठीक है। देखो ये ला, ये सांड है। हां जी, ये कौन से उसका है? इसकी ब्लड सीमन लेके आए थे अपनी गाय का है। तो कितने दूध वाली गाय का बेटा है ये? 19 किलो का। ठीक है, गौशाला में 19 किलो दूध बहुत होता है जी। देखिए, साहिवाल बहुत ही फेमस ब्रीड है, और बुल भी काफी शानदार है ये। कहीं मेले में लगाना है? अच्छा, ये कितने मेलों में आ चुका फर्स्ट? इसका बेटा आ चुका भाई साहब, ऑल इंडिया चैंपियन बना है। ऑल इंडिया चैंपियन कहाँ बना था? सबकी दादी मेले में, भिवानी में। ठीक है, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, मेले में। ठीक है ठीक है।
इसका बेटा बन चुका है, ये भी जवान ही दिख रहा है पूरा बोल तो। हाँ, ये इसकी उम्र बेटा, ये 2016 का रिकॉर्ड वो है, 2016 का जन्म है, तो 4 और 3 7 साल का हो गया, 8 साल का है, 7 का ही हो चुका, 8वें में चालू है। और किधर चले, बहुत अच्छा बुल है भाई, इसी इसी यहाँ से आगे निकले। हाँ, 7 नंबर सेट। 7 नंबर सेट ठीक है, बहुत ही शानदार बुल है जी। अच्छा, साहिवाल फ्री में दे देंगे। अच्छा, वैसे इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। तो क्या कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा जो कोई बात करे तो? 9802119148 9802119 देखना पीछे 19148 ठीक। आप खड़े होके बात कर लेंगे, परेशान ना हो आप। ये इधर आ गया, कौन से में? 8 नंबर सेट। इसमें कौन सी ब्रीड है? प्योर साहिवाल है। अच्छा, प्योर साहिवाल है, मजा आएगा अभी देखने में भाई। इसमें एक साइड प्रेग्नेंट गाय है और एक साइड नॉन प्रेग्नेंट साहिवाल का। ये एक ही साइड है अपने पास? नहीं, एक और है। अच्छा, कितनी है टोटल साहिवाल? टोटल लगभग 100 के आसपास है। इसमें गिर भी है और साहिवाल, गिर और साहिवाल ठीक है, दोनों मिक्स है। अच्छा, भिवानी में कौन सी ब्रीड कैटेगरी में? दो दांत में ठीक है। तो ये कौन से बुल की है? ये तो बाबर की है। बाबर की ठीक है, अभी अंदर को अंदर चल पड़ेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ये क्रॉस वाली आ गया है, ठीक है, हरियाणा थारपारकर और सारी मिक्स है। ये कपिला है जी, ठीक है, कपिला आ गई, ठीक है। ये थार पकड़ भाई, ये क्या खा रही है अभी? अभी चार ही ऊपर लगी हुई ना। ठीक है ठीक है, पीछे से देखेंगे तो और बढ़िया लगेंगे। क्यों ये देखो जी, जो भिवानी में दूसरे नंबर पे आई थी ये वाली, ये जा रही जो, एक मिनट पहले वो देखो, अपने वाले मोती से, HSB मोती से, ठीक है। कैसा लगा बुल अपना? बहुत टॉप का बुल बैठा। कोई यहाँ अपने बुलों की बछड़ी भी है कोई? आपकी बुल की बछड़ी उधर बैठा भी। अच्छा, उधर है आपका? अभी अभी दिख जाएगी क्या? ठीक है, ये मोती से प्रेग्नेंट है, ठीक है ठीक है। ये 3 महीने की होगी, 3 महीने की चेक पास है, बस बस कुछ नहीं है मेरे पास तो भाई खिलाने के लिए। ये जब भी कोई भाई बाहर से आता है तो ये खाने के लिए आती है ना? ठीक है ठीक है, अच्छा आपसे प्रेम करती है, ठीक है ठीक है। पीछे चले यहाँ, ठीक है ठीक है। केसरियों की बछड़ी, टॉप की बछड़ी है। अच्छा, टॉप की है, वो टॉप की है। अच्छा, सुननी बात, अच्छा दे, ये बछड़ा दे देंगे, ठीक है, ले आओ ले आओ। माता मनसा देवी मंदिर जो है पंचकुला में, वहां से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। गौशाला जो है काफी बड़ी गौशाला है, 6 एकड़ में। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जी आप टाइम निकाल के वीडियो देखना, और जिस भी गौशाला को बुल चाहिए साहिवाल का, तो साहिवाल का बुल जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ। ये तो नहीं आ गई, अच्छा पीछे, अच्छा ये, वाह जी वाह, केसरियों की है, वाह जी वाह। ये देखो, एक मिनट आया, ये देखो जी केसरियों की बछड़ी। ये किस तरीके की गाय से आई है भाई? HF मिक्स है, वाह जी वाह, कमाल ही हो गया भाई। और ये अंगद नाम है जो जीतता है मेले में, तो ये गौशाला वाली कैटेगरी में जीता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट आया था। आप लोग की मदद लेके आता हूं,
ये आपसे डर रहे हैं क्या? वैसे ही कर रहे हैं हैं? वैसे बाहर जा रहे हैं, कोई टिका टका लगा देगा या ना, ये भी हो सकता है इंजेक्शन के डर से। हाँ। ये देखो जी, इस गाय से आई है बछड़ी, दिख गई वैसे तो मिक्स में है, तो बहुत सुंदर बछड़ी आई यार ये तो। आपको एक बछड़ी और दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा, तो इतना अच्छा रिजल्ट वैसे तो इन बुलों का भी मिल रहा होगा दूसरे जो अपने पास। ठीक है। वैसे तो दीपक भाई कोशिश करोगे आप है ना, जितनी भी क्रॉस की बछड़ियां हैं उनको प्योरिटी की तरफ लेके आए, उन गायों को, उनसे बच्चे है ना प्योर ले आप। वो तो है भाई साहब के, गलत कह रहा हूँ भाई साहब, हमने साहिवाल के भी रखे हैं। अच्छा, साहिवाल के क्या रखे हैं? केतरियों की रखे हैं, चुम्मन रखे हैं। अच्छा, साहिवाल के अपने थार पार्क भी लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये डिस्पेंसरी, ये आपका ऑफिस आ गया है, आप यहाँ बैठते हो। ठीक है, तो बीमारी बीमारी कितने भाई साहब आ जाती है गायों में या नहीं आती है इधर? नाम मात्र है। ठीक है भाई साहब, केयर की बात है। हाँ, एक तो साफ सफाई की बड़ी वो। ठीक है, तो यहाँ केयर बढ़िया है, साफ सफाई भी बढ़िया है, तो ये तो जर्सी क्रॉस में आ गई। अच्छा, इधर ठीक बात है, चारा चूरा पड़ा है, वहीं से पैर लेके जाएंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। जर्सी क्रॉस में आ गई है, जर्सी साहिवाल क्रॉस में ना भाई, ये साहिवाल में ये केसरियो से प्रेग्नेंट है, 6 महीने की। अच्छा, 6 महीने की केसरियो से प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये भी केसरियो से प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये लिख रखे हैं या ध्यान ही रह जाता है? लिखे हैं सबके। अच्छा, सबका टोटल सब टैग टाइमिंग है भाई साहब। अच्छा, टैग के साथ है। ये थार पार करा गई एक, बहुत सुंदर है भाई साहब। ये तो 19 लीटर में दिखाई हमने, एसएलडी भी रिकॉर्ड है 19 लीटर। वाह जी वाह, हरियाणा में ये प्योर हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में है ये। ठीक है, अभी तो इसकी बस्ती अंदर। ठीक है, 6 महीने वो होगी। ठीक है, ठीक है। इधर कोई बछड़ी है क्या? अंदर मिलेगी शायद है, इन गायों के बच्चे ये इधर आ गए हैं, तो बच्चों पे ही लगती होंगी गाय तो सारी। छोटे वाली उसकी मदर तो है। अच्छा, प्योर वाइट में है, ये थोड़ी डर रही हैं आपको देख के हैं। हाँ, बस बेटा, इतनी छोटी बछड़ी को भी खुला छोड़ देते हैं, इसको परेशान नहीं करेंगे दूसरी भाई साहब, कोई नहीं करो। अच्छा, ये केसरियो की आई है, इसकी मदर वाइट है, आपने अभी देखी भी होगी थर पकड़ की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अभी देख लेंगे, थोड़ी कमजोर है, इसको केयर केयर बढ़ाओ इसकी, या कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी तो ना हुई है ना, कमजोर हुआ एक तो। कितने दिन की है ये? 8-9 दिन की होगी। अच्छा, कौन सी गाय है इसमें? अच्छा, जो छोटे कद वाली है। ठीक है, ठीक है भाई, ये अंगद का बच्चा है। अच्छा, ये भी अंगद का है, इसकी उम्र अभी 2-2.5 साल का होगा। अच्छा अच्छा, साहिवाल के तो काफी अच्छे बुल हैं फिर आपके पास। ठीक है, बेटा आपकी भाई को पहली बार उतारेंगे मेले में। अच्छा, ये मेले में जाएगा। हाँ, ठीक है, लेना थोड़ा आगे आगे ले आगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ये 2 दांत हुआ भाई साहब, अभी 2 दांत है। इसकी माँ कितने दूध वाली है? इसकी मदर भी यहीं पे भाई साहब। अच्छा, कितना दूध देती है वैसे? ये भाई साहब 16-17 किलो। 16-17 भाई साहब, एक तो गौशाला में गिल्ला रहता है, एक तो परमानेंट ही। हाँ, उसका बड़ा फर्क है। हाँ, ये इसकी मदर भाई। अच्छा, ये वाली है, ये भी प्योर है, साहिवाल में है। अभी ये प्रेग्नेंट भी है, 5 या 6 महीने की होगी। अच्छा, इसका देखना पड़ेगा कौन कौन सी प्रेग्नेंट है। ठीक है, ठीक है, शायद क्या पता आप वाली थे। अच्छा, अपने वाले काफी लग रहे हैं सिमनिया है भाई साहब, अपने वाले इधर भी लग रहे हैं और गुरुद्वारे में भी यही लग रहे हैं आप वाले। ठीक है, ठीक है, फिर भी 16 किलो दूध दिया है। नीचे की तो मजबूत है गाय भाई, मजबूत भाई साहब। हाँ हाँ हाँ,
बस कोई नहीं, ये आपके ऊपर चीता बोल के प्रेग्नेंट है, अपने चीता जो नसीब मुच्छल वाला है, ठीक है, बड़े बोट भी गए हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया, चीता के भी लग रहे हैं फिर हरियाणा वाले के सिमन है। मैंने ये 10-15 लेके आए थे, मैं अभी अपने फार्म पे गया था। हाँ, 4-5 महीने पहले गया था, ठीक है आ रही है कंसेप्शन वगैरह, बढ़िया आ रही है सब, ठीक है। सबसे टॉप की अलेक्जेंडर की आपकी एचएफ के अलेक्जेंडर की टॉप का ही चलता भाई साहब। अच्छा, अलेक्जेंडर के बच्चे भी अच्छे आए हैं, एक बच्चा आया अभी, बच्चा है। अच्छा, ये तो अभी हमारी एचएफ की गाइड वाली ना। हाँ, ये भी अलेक्जेंडर की वाली है। अच्छा, जो बड़े ऑर्डर वाली थी सारी। अच्छा, ये ही फर आ गई, क्रॉस की आ गई है, तो फिर क्रॉस मिक्स है भाई साहब, जर्सी भी है, क्रॉस एचएफ भी है, जर्सी एचएफ मिक्स है। ठीक है, ये देखो जी, और भाई साहब ये सब का रिकॉर्ड भी हमारे पास भी है। अच्छा, आ जाओ पोजीशन में, ना बाहर ले आओ, ये सब का ये है रिकॉर्ड भाई साहब। अच्छा, मंथली रिकॉर्ड है, मंथली रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, कौन सी गाय किससे प्रेग्नेंट है, कौन से बोलते प्रेग्नेंट है, ये अलेक्जेंडर हो गया दादी। हाँ, ये तर्दन हो गया, ये तर्दन हो गया। सबका अलग अलग रिकॉर्ड भाई साहब। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे तर्दन के अभी। अच्छा, तर्दन के 15 दिन में भाई साहब कम से कम 50 गाय भी आ रही है अपनी तर्दन से। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो पूरी यूनिवर्सिटी बना दिया आपने फिर, इसका मतलब हमारे तो हरियाणा भी गए लेकिन। अच्छा, उधर चले, ठीक है, यहाँ तो फिर गाड़ियाँ गुड़िया सारा दिन आती रहती है दीपक भाई, सारे दिन चलते भाई। अच्छा, सेवा वाले आते हैं, छोटे बच्चे इधर बैठे हैं एचएफ के जितने भी है। अच्छा, कोई गुड़ दे गया, कोई हरा चारा ले आया, फीडिंग सब का करता है। अच्छा, फीड भी, ये भाई कहाँ से आ गए, हाइट कम है। ठीक है, वो बैठा वो लास्ट रह गया, 6 नंबर, 6 नंबर वो 9 नंबर उधर था, उसमें छोटे बच्चे हैं। ठीक है, बाहर साफ सफाई बहुत, अंदर थोड़ी ठंड ज्यादा है, इसलिए अभी गर्मियों में तो सही रहती होगी, गर्मियों में भाई साहब वन क्लास रहते हैं, पानी भी मार दो चाहे गर्मियों में, तो दो दिन मारते हैं एचएफ के, तो अभी भी मारते हैं, अभी नहीं मारते, रहने दो, कोई नहीं, इसमें सबसे बच्चे भाई साहब। अच्छा, कोई नहीं, रहने दो, चल साहिवाल, इनको भी आरतियां सुना के भक्ति में लगा दिया एचएफ वालों को भी है। ठीक है, सही है, एचएफ जर्सी के बछड़े आ गए हैं, बछड़े बछड़ी हैं, मिक्स ही होंगे बछड़े बछड़ी। ठीक है, इसको बंद कर देना भाई, निप्पल जुड़ लाते हैं। अच्छा, किसी गाय के नीचे नहीं लगाते। अच्छा, गाय के नीचे नहीं लगाते, साहिवाल को भी नहीं लगाते किसी को भी। अच्छा, साहिवाल भी, हरियाणा भी। अच्छा, इधर आओ, सबको अलग ही कर देते हैं। ठीक है, सबको निप्पल पे। ठीक है, बढ़िया है भाई सिस्टम एकदम, इसमें 3 बंदे लगाए हुए हैं हमने निप्पल दूध पिलाने के लिए। अच्छा, स्पेशल सब अलग अलग है, तो लेबर कहाँ की होती है ये, यूपी बिहार की। अच्छा, तो कैमरे वगैरह सारी जगह लगे हैं, कैमरे हर जगह लगे हुए। अच्छा, हर मोड़ पे कैमरे लगे हुए, जैसे ये इधर लगा हुआ इधर है, हर मोड़ पे कैमरे लगे हुए। ठीक है, तो दीपक भाई ये जो चिप सिस्टम लगता है वो भी लगाने की कभी सोची है, अभी सोची है ये तो गाड़ी में लगाने की है। अच्छा, एचएफ में या जर्सी में, सब में लगाएंगे भाई साहब, सब में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह पता चलता है, उससे पता चल जाता है कौन। एक गाय का हमने पता किया था, एक गाय के 2 चिप सिस्टम लगेगा ना। हाँ, एंटीना लगेगा 2 लाख का। अच्छा, और ये तो चिप सिस्टम है, वो 19,000 रुपए की पड़ रही है एक की। ये तो महंगा हो जाएगा यार, महंगा तो है भाई साहब। मेरे हिसाब से तो अलग अलग छांट लेनी चाहिए हार्ड में, जो सबसे सुपर क्वालिटी की गाय है ना उनको लगा देना चाहिए, क्यों। वैसे गौशाला में ये तो होता नहीं सिस्टम, कौन सी सुपर है, यहाँ तो सभी बराबर होती है ना। अच्छा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, किधर अपना तारपण का पुल है। अच्छा, वो मैंने को मैंने आपको अभी इसकी मदद नहीं दिया अभी। हाँ, इसका फादर, इसका फादर तो उसका डीएलएफ फार्म का जी डी। अच्छा, इसका अपना फार्म है तो डीएलएफ फार्म। हाँ, उसके फार्म, इसके चोट लगी हुई है पैर में, पैर में नीचे लग गई थी, गिर गया रे। ठीक है बेटा, अभी ये लगा, ये 5 लीटर दूध में इनाम में। अच्छा, ये जो कौन सी बिलाई। ठीक है, तो यहाँ रखनी छोड़ दी गया लोगों ने ये, भैया कोई रखता नहीं है, 1-2 लीटर दूध देती ना। अच्छा, 2-3 महीने दूध देगी, तो पहले रखते थे। हाँ, पहले रखते थे। ठीक है, तो इधर आप और क्या देखना था। यही है भाई साहब, अंदर भी गए दूध वाली। अच्छा,
इधर बिलाई और देसी है। बिलाई और देसी, ठीक है। बच्चे भी हैं छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो बिलाई का ऊपर फिर बिलाई वाला बुल छोड़ते हो? अभी तो साहीवाल के रख रहे हैं इनके। अच्छा, साहीवाल, ठीक है। फिर रिजर्व कैसे रहेगी, ब्रीड खराब ही हो जाएगी क्यों? लेकिन ये फिर फायदे की भी वो बात नहीं रही ना। हाँ हाँ हाँ, ये सारे बच्चे आ गए, ठीक है। बहुत ही सुंदर है, कई तो बछड़िया ना। ये भाई तो चित्ते का है, ये सफेद वाला। इसकी मदर क्या था, प्योर ब्लैक है। अच्छा, एक ये भाई साहब, ये इसकी आई लाइन देखो कितनी आई बच्चे की। ये भी चित्ते का, तीन दिन का बच्चा, ये चित्ते का ही है। हाँ जी, ठीक है। और एक भाई साहब डीएनए के टेस्ट के साथ बताएंगे आपको, ठीक है। डीएनए भी करवा सकते हो, डीएनए भी करवा रखा है। हाँ नहीं, आपको करवाना हो तो कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भाई ये शक ना करे कि भाई गलत बता दिया हुआ। कौन सी गाय है इनकी माँ? अंदर चले, दोनों ब्लैक है भाई साहब। अच्छा, दोनों ब्लैक हैं, बच्चे वाइट आ गए। तो ठीक मिला अपने वहाँ का तो रिजल्ट है। अच्छा, जो कोने में खड़ी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर जो ऊपर से दिखाई दे रही है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है ठीक है। और भी कोई इधर आपा देखना है साइड? कुछ भी नहीं भाई। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बढ़िया, मजा आ गया। तो ये देखिए जी, आज गौशाला जो है आपको विजिट करवाई, और गाय जो है अपनी काफ़ी सारी गायें हैं, 1500 गोधन यहाँ पे है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। सारे भाई जो भी जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।